एंड्रॉइड यूजर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका ओपन इकोसिस्टम, जिसकी वजह से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। और वो सबसे पहली चीज जो किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आप एक्सपीरियंस करते हैं वो है उसका होम स्क्रीन लॉन्चर। और मैं जानता हूं कि आप ऐसे काफी सारे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि नोवा लॉन्चर, पिक्सल लॉन्चर, नाइग्रा लॉन्चर, राइट? बट वेट, ये वीडियोस इन पॉपुलर लॉन्चर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उन लॉन्चर्स के बारे में जो कि जरा हटके और यूनिक है और आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी के साथ टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले नंबर पर है हमारे पास न्यू लॉन्चर। अगर आप थक चुके हैं सेम होम स्क्रीन को बार बार देखकर और चीजों को थोड़ा सा स्पाइस अप करना चाहते हैं तो आपको न्यू लॉन्चर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लॉन्चर एक साईफाई थीम के साथ आती है और इसका यूजर इंटरफेस भी काफी फ्यूचरिस्टिक सा है, जो कि इसे दूसरे लॉन्चर से अलग बनाता है। न्यू लॉन्चर की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन। ये लॉन्चर अलाउ करता है अपने यूजर्स को टू एफिशिएंटली पर्सनलाइज द होम स्क्रीन अलग अलग तरीके के आइकन्स, विजेट्स और थीम्स को यूज करके। और इसी हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन की वजह से ज्यादातर यूजर्स अपना एक यूनिक इंटरफेस डेवलप कर पाते हैं। अनदर एक्सेप्शनल फीचर जो आपको इस लॉन्चर में देखने को मिलेगा वो है इसका परफॉर्मेंस। अपने यूआई डिजाइन में इतना हैवी होने के बावजूद ये लॉन्चर काफी फास्ट, लाइटवेट और रिस्पॉन्सिव है, जो कि डिवाइस की स्पीड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। इसका यूआई भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से आप चीजों को बड़े ही आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। अब अगर आपको ये हाईटेक फ्यूचरिस्टिक वाला लुक किसी वजह से पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इसके क्लासिक लुक वाले ऑप्शन को टॉगल कर सकते हैं, जिससे ये काफी सिंपल और मिनिमल लॉन्चर बन जाता है। अगला ऐप है हमारी लिस्ट में क्रिविट्सो, जो कि एक ओपन सोर्स एंड्रॉइड लॉन्चर है और ये दूसरे पॉपुलर लॉन्चर से काफी डिफरेंट है। ये लॉन्चर आता है एक सिंपल और स्लीक डिजाइन के साथ और ऑफर करता है कुछ ऐसे फीचर्स जो कि बड़े बड़े लॉन्चर्स तक में मिसिंग है। इस लॉन्चर का सबसे बेस्ट फीचर है इसका सर्च बार, जो कि ना कि आपको सिर्फ ऐप सर्च करने देता है बल्कि आप इसे यूज करके इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम प्ले स्टोर, गूगल एंड इवन फ्रॉम यूट्यूब। प्लस आप इसे एक कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना ये कमाल का सर्च बार। बट इसकी यूनिकनेस यहीं तक सीमित नहीं है। अब जैसे ही स्वाइप अप करेंगे इसके होम पेज को तो आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ यूजफुल विजेट्स, जैसे कि वेदर विजेट, म्यूजिक कंट्रोलर, कैलेंडर इवेंट विजेट एंड मच मोर। इट्स अ क्विक एंड इजी वे जिसके थ्रू आप एक ग्लैंस ले सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। नाउ वो चीज जो इसे दूसरे लॉन्चर से अलग बनाती है वो है इसके लेवल ऑफ कस्टमाइजेशंस। आप बड़े ही आसानी से लॉन्चर के लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आइकन पैक, शेप एंड स्टाइल। इसके अलावा आप अपने मोस्ट यूज एप्लीकेशन को एक फेवरेट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप बड़े ही आसानी से उन एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये एक एक्सेलेंट लॉन्चर है और इसमें आपको वो हर एक चीज मिल जाएगी जो इसे एक परफेक्ट लॉन्चर बनाती है। अगले नंबर पर हमारे पास है फ्लो लॉन्चर, और अगर आप एक प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक लॉन्चर ढूंढ रहे हैं तो इस लॉन्चर को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लॉन्चर इक्विप्ड है विद अ मिनिमलिस्ट डिजाइन एंड एन इंटुइटिव यूजर इंटरफेस, जो कि इसे पॉपुलर बनाती है अमंग एंड्रॉइड यूजर्स। फ्लो लॉन्चर में भी आपको एक यूनिवर्सल सर्च बार देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक क्रिविट्सो, जिसे यूज करके आप सर्च कर सकते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट, सेटिंग, एप्स एंड मोर इन रियल टाइम। ये काफी एक्यूरेट है, बट आई थिंक क्रिविट्सो का सर्च बार ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर बात करें इस लॉन्चर के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की तो यहाँ आपको हर लॉन्चर की तरह बेसिक कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएगी, जैसे कि वॉलपेपर एंड थीम चेंज करना। यहाँ आपको कस्टम ऐप ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा फॉर क्विक एक्सेस। और तो और आपको यहाँ कुछ एडवांस जेस्चर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे यूज करके आप अपने एक्शंस को इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि ऐप ड्रॉअर को ओपन करना, एक स्पेसिफिक ऐप को लॉन्च करना या तो नोटिफिकेशन को एक्सेस करना। तो अगला लॉन्चर है हमारी लिस्ट में कंप्यूटर लॉन्चर। अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप लाइक फील अपने स्मार्टफोन में टू एनहांस योर स्मार्टफोन लुक, तो आई थिंक कंप्यूटर लॉन्चर आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस लॉन्चर को देखते ही आपको विंडोज 11 की याद जरूर आएगी, क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है जो पूरे फुल फ्लेज विंडोज यूआई को रिसेम्बल करता है। यहाँ आपको स्टाइलिश लुकिंग टाइल्स देखने को मिलेगी इन होम स्क्रीन, जो कि बड़े ही आसानी से कस्टमाइज भी की जा सकती है। आप आइकन्स को प्रेस एंड होल्ड करके इसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और एक्सेसिबल शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको विंडोज इन स्टाइल मेन्यू भी मिल जाएगा, जहां से आप यूजफुल विजेट्स को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि क्लॉक, वेदर, रैम इन्फो विजेट एंड मच मोर। इस लॉन्चर का अपना खुद का एक बिल्ट इन फाइल ब्राउजर भी है, जिसे यूज करके आप अपने फाइल्स को बड़े ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को एक यूनिक लुक देना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर लॉन्चर एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। हमारी लिस्ट का अगला लॉन्चर आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा, जिसका नाम है एज कार्ड लॉन्चर। अब कहने को तो
ये एक लॉन्चर है, बट आप इसे कहीं भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ओवरले लॉन्चर है विद अट्रैक्टिव मटेरियल डिजाइन, जिसे आप बड़े ही आसानी से एक सिंगल स्वाइप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। इस लॉन्चर के थ्रू आपको एक्सेस मिलता है ऑफ योर फेवरेट कॉन्टैक्ट, एप्स, सेटिंग्स एंड एक्शंस फ्रॉम एनीवेयर। ये लॉन्चर आपको काफी सारे फंक्शनैलिटीज ऑफर करती है, जिससे कि आप बड़े ही आसानी से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स एंड ऐप शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं और तो और नोटिफिकेशन पैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे एक्सेस करना काफी आसान है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग काफी इंप्रूव हो जाएगी फॉर श्योर। नेक्स्ट लॉन्चर है हमारी लिस्ट में वाइड लॉन्चर, जो कि एक ग्रेट होम स्क्रीन रिप्लेसमेंट है। आपने जितने भी लॉन्चर्स देखे होंगे ये उनसे काफी यूनिक है, क्योंकि यहाँ आपको 3 times वाइडर होम स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि टिपिकल होम स्क्रीन ग्रेड एंड साइज लिमिटेशन को खत्म कर देती है। इस लॉन्चर में आपको काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप आइकन डिकोर कर सकते हैं, उनके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि न्यू थीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस लॉन्चर की सबसे यूनिक फीचर है एपलेट्स, जो कि बेसिकली मिनी एप्स होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं सेवरल फंक्शनैलिटीज। ओवरऑल ये एक काफी हटके लॉन्चर है और आपको एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आखिरी नंबर पर है हमारे पास लाइम लॉन्चर, जो कि एक लाइट वेट एंड हाईली कस्टमाइजेबल एंड्रॉइड लॉन्चर है। और अगर आपने इससे पहले नाइग्रा लॉन्चर यूज किया है तो आपको इसका यूजर इंटरफेस काफी फेमिलियर लगने वाला है, बिकॉज दिस इज हाईली इंस्पायर्ड बाय नाइग्रा लॉन्चर। इसमें आपको एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंटुएटिव डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिसे आप बड़े ही आसानी से एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। बात करें कस्टमाइजेशन फीचर्स की, तो यहाँ आपको सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वॉलपेपर या आइकन पैक चेंज करना, और तो और आप आइकन साइज को भी एडजस्ट कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। प्लस आपको यहाँ जेस्चर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये लॉन्चर प्रोवाइड करता है एक वर्टिकल ऐप ड्रॉअर, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं, और यहाँ आपको एक एफिशिएंट सर्च बार भी देखने को मिल जाएगा, जिसे आप कॉन्टैक्ट, एप्स, सेटिंग्स को सर्च कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। तो ओवरऑल इस लॉन्चर में आपको देखने को मिल जाएगा एक मिनिमलिस्ट अप्रोच विद ऑल द एसेंशियल फीचर्स, जो इसे एक एक्सेलेंट चॉइस बनाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के यूनिक एंड्रॉइड लॉन्चर्स। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताना, और अगर आप कुछ और ऐसे यूनिक लॉन्चर्स के बारे में जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।